रोलिंग। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिविल लाइव और मैं हूं अशोक बंसोरा। आज आइए अब हमारे सामने यहां पर 12 बजे से पब्लिक इकट्ठी हुई है, जानते हैं क्या है पूरा माजरा। आइए क्या है सबसे पहले सिविल लाइव के चैनल के माध्यम से आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और माजरा ये है कि आए दिन इस पारा नगर में यहाँ के जो चौकी प्रभारी है वो कहीं ना कहीं इस नगर को अनदेखी करने से कहीं ना कहीं इस नगर में बड़ी बड़ी घटनाएं आए दिन होती जा रही है। तो इस 10-12 दिन के अंतराल में ऐसी 6-7 घटना हो चुकी है। तो 2 तारीख को ऐसी पारा में भंवरलाल छाजेड़ के यहाँ दिन दहाड़े मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। और इसके पहले पप्पू यहाँ का पंच है, उसके यहाँ भी बकरी रात में चोरी हो गई है। और इसके बाद में राजगढ़ रोड पे जो व्यक्ति है पिंटू नारू अमल्यार करके, उसके 5,000 रुपये और मोबाइल और ऐसे बाइक की चाबी चोरी हो गई है। और इससे पहले झाबुआ रोड पे एक छापरी वाले व्यक्ति जो निकल रहे थे तो उनको भी कहीं ना कहीं उन्होंने चोटों ने रोक के ना मारा, उनके पास कुछ सामग्री नहीं थी तो वो बच गए। और इसके बाद में कल रक्सिंग पिता जानिया वास्केला जो झाबुआ जा रहा था तो उससे भी फालिया मारी थी, तो उसने उस रक्सिंग जी ने अपना बीच बचाव करते हुए हाथ ऊपर करा तो उसमें हाथ में फालिया लगा और पाँव में जांग में भी फालिया लगा। और उसके बाइक और 20,000 रुपये बाइक की चाबी और मोबाइल ऐसे उनसे छीन ले गए। और दिन दहाड़े इस पारा में एक रमेश गहलोत सर है जो बुजुर्ग है, उनके भी दिन दहाड़े 9-10 बजे उनकी गले की चेन चोरी कर ले गए हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो पारा चौकी प्रभारी है वो आए दिन उनकी भानगेड़ी में लगा रहता है और वही अपनी चौकी में बैठा रहता है। और इस नगर में ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ के वो चौकी प्रभारी है, यहाँ की जनता उसको पहचानती नहीं है। और यहाँ से ना नगर में गश्त होती है उसके द्वारा, शाम पड़े रोज़ झाबुआ चला जाता है, दिन में आके उसकी चौकी पे ही आके बैठता है, उसकी दुकानदारी चालू कर लेता है। और इसके बाद में यहाँ नगर में कोई गश्त नहीं, आए दिन यहाँ कन्या स्कूल है और स्कूल के आसपास आवारागर्दी छोरे भी बहुत घूमते रहते हैं, तो वहाँ पाइन लगाने के बोलते हैं। जो वाहन व्यवस्था गुजरात की गाड़ियाँ बहुत सारी नीचे खड़ी रहती है तो वह ट्रैफिक में बड़ी तकलीफ आती है। तो हमने कई बार चौकी प्रभारी को भी इस बात का अवगत कराया है पर वो कहीं ना कहीं अनदेखी करा करता है। यहाँ खुलेआम सट्टे का भी व्यापार चल रहा है पारा में, वहाँ भी उसकी बंदी चलती है, उसके माध्यम से वो कहीं ना कहीं अवैध कारोबार यहाँ पारा में आए दिन बहुत चालू हो गए हैं। तो यहाँ का चौकी प्रभारी उस चीज़ को अनदेखी करते हुए हो सके उसमें कहीं लेन देन करता है, क्या करता है। ऐसी कई घटना जब नवापाड़ा में एक दिन रात में गांव वालों ने चोर पकड़ के दिया है और ऐसी बाइक चोरियां है, कई घटना होती रहती है। तो मैं चाहता हूं कि वह यहां के जो चौकी प्रभारी है, मैं SP साहब से निवेदन करता हूं कि चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से उसको ज़्यादा हटाया जाए या फिर ठीक से उसकी नौकरी करें यहाँ पारा में, यही मैं कहना चाहता हूँ। यही मतलब बेहतर पुलिसिंग की कमी यहाँ देखने को मिल रही है। हाँ, हमारे साथ में यहाँ स्थानीय नागरिक है, इनसे भी जानेंगे कि पुलिस प्रशासन को लेकर क्या कहना है आपका। जैसा वाल सिंह जी ने बताया है कि प्रशासन की जो कमी है, मैं आए दिन इस बात को सचेत करता रहता हूँ पुलिस को मुखाग्रह। मैंने पूर्व में गाडरिया जी जब थानेदार थे TI झाबुआ, उनको भी मैं फ़ोन द्वारा सूचित किया था कि देखिए सर, ये बच्चे लोग जो बाइक लेके घूमते हैं 2:30 बजे के आसपास छुट्टी होती है लड़कियों को छेड़ने के लिए, बाइक मार्केट में इस कदर निकालते हैं क्योंकि चपेट में आ जावे तो वो उल्टी किस्त गांव वाले के ऊपर ही आएगी क्योंकि वो आदिवासी लोग हैं। और वो बच्चे लोग मोटरसाइकिल से जैसे निकलते हैं वही इस घटना को अंजाम देते हैं क्योंकि उनके माता पिता ऐसी महंगी गाड़ी तो उनको दिलाते नहीं, उनकी जाँच की जाए और ये जो महंगी महंगी गाड़ी चलाते हैं इनको जब्त करके इनके सारे कागजात चेक किए जाएँ, मेरा ये कहना। और भी यहाँ पर उपस्थित है, उनसे भी जानेंगे। और कोई बोलना चाहेगा? हाँ आप बताइए। यहाँ पर कुछ जैस के भी साथी लोग उपस्थित हैं, उनसे भी जानेंगे कि यहाँ की पुलिसिंग को लेकर क्या कहेंगे। मेरा यही सवाल है कि जो पुलिस प्रशासन हमेशा कुछ ना कुछ घटना होती है उसमें गाँव वालों का सहयोग ना करे और अपराधी का समर्थन अधिकतर करती है तो उस पर थोड़ा झावट या इसकी जाँच करें और बाकी ठीक है, धन्यवाद। प्रशासन से थोड़ा ध्यान दे और नगर में बहुत सारी घटना होती है उस चीज़ को नज़रअंदाजे करते हैं तो हमें इस बात को निंदा करते हैं क्योंकि हमें
ऐसी घटना दिन पे दिन होती है, पिछले 3 महीने से ये घटना हो रही है, तो थोड़ा समझ करें। इनका भी कहना पुलिस को लेकर यहाँ पर काफ़ी लोग आक्रोशित है कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर नगण्य है एक तरीके से। यही सारे वक्ताओं की बातें अगर सुना जाए तो यही बात सामने आ रही है कि पुलिस यहाँ पर केवल भांजगड़ी प्रथा, केवल रस्म अदायगी और अवैध कारोबारियों को संरक्षण देती है, न कि अब यहाँ पर जो लूट के हैं, चोरी के हैं, जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय देने में असक्षम है। तो इन सारी बातों को लेकर हम वरिष्ठ पुलिस प्रशासन से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि इस गंभीर मैटर पर उनका क्या कहना। कल की घटना जो है कि एक बहुत भयावह घटना थी कि फालिये से उनके ऊपर वार किया गया था, ये तो उनकी गनीमत रही कि वो बच गए, वरना कल भी कोई बड़ी दुखद घटना हो सकती थी। तो आप हमारी पूरी खबर को ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना विचार व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद, बने रहिए सिविल आयोग के साथ।